बसमीम डेयर स्टूडेंट्स वालेकुम वेलकम टू अल मजीद अकेडमी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं फैसलाबाद बोर्ड का मॉर्निंग टाइम का कमिस्ट्री का पेपर और कि वीडियो पर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियो से मुस्त हो सकें इसी चैनल के ऊपर आपको तमाम सब्जेक्ट से गैस पेपर्स और इवनिंग टाइम पर पेपर्स भी मिल जाएंगे तो चलते हम अपनी आज की वीडियो की जान सबसे पहले हमारे पास है इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट विच वन इज़ द वीकेस्ट फोर्स अमंग द एटम्स इसका है इंटरमोलीकुलर फोर्सेस ठीक है एटम्स के दरमियान पाए जाने वाली कमजोर तीन फोर्स कौन सी है इंटरमोलीकुलर फोर्सेस वैन एन अलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कम्बाइन विद एलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज जब एक अलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसीक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के साथ मिलता है तो इनके दरमियान बॉन्डिंग की किस्म होती है आयोनिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ट्रांशन एलमेंट्स आर ऑल मेटल्स तमाम मेटल्स होते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट वाई बोहर ठीक है आइटम के ऑर्बिट का तवर बोहर ने पेश किया था विच वन कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाई फिज़िकल मीनस किसके अजा को तबीयत तरीक़ों से अलग किया जा सकता है वो है मिक्सचर द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लोकोस ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला है सी एच टू ओ दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ वैलेंस शेल ऑफ हेलोजन इज हेलोजिन के वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या है एन एस टू एन पी फाइव दक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन एच एन ओ टू इज एच एन ओ टू में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है प्लस थ्री स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन अस खुद वाक्य होने वाले केमिकल रिएक्शन किस में होते हैं गैल्वेनिक सेल में विच सोल्यूशन कंटेंस मोर वाटर किस सोल्यूशन में पानी ज़्यादा होता है वह जीरो पॉइंट टू फाइव एम मोलर में विच वन विल शो नेगलिजिबल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स सोलबिलिटी किसकी सोलबिलिटी पर टेम्परेचर का बहुत मामूली असर होगा वो है एन एस सी एल द डेंसटीज ऑफ गैसेज आर एक्सप्रेसड इन टर्म्स ऑफ गैसेज की डेंसटीज को ज़ाहिर किया जाता है ग्राम पर डी एम क्यूब में उसके बाद नेक्स्ट है इसका हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट ओके सबसे पहला पार्ट है उसमें से आपने कोई से पांच क्वेश्चन अटैम्प्ट कर फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड बायोकेमिस्ट्री। आप फिजिकल और बायोकेमिस्ट्री में कैसे फर्क करेंगे हो और फ्री रेडिकल्स फॉर्म फ्री रेडिकल किस तरह बनते हैं फॉर वट परपज यू टू थर्टी फाइव इज़ यूज यू टू थर्टी फाइव यूरियम टू थर्टी फाइव किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है आ पेशेंट हैज़ गोइटर हो विल इट डिटेक्टेड एक मरीज को गोइटर है इसकी तश्स कैसे करेंगे वाई एटोमिकाइज इंक्रीज इन ग्रुप ग्रुप में साइज क्यों बढ़ता है डिफाइन आयोन एनर्जी आयोनाजेशन एनर्जी की तारीफ कीजिए वाट इज मीन बाई ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड्स से क्या मराद है हो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इस मैग्नीशियम। सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से क्यों कम है नेक्स्ट पार्ट में से भी आपने कोई से पांच क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। डिफाइन केमिकल बॉन्ड एंड आल्सो गिव एन एग्जांपल केमिकल बॉन्ड की तारीफ कीजिए और एक मसाल भी दीजिए हो एन ए प्लस एन सी एल माइनस आर फॉम्ड एन ए प्लस और सी एल माइनस कैसे बनते हैं जस्टिफाई एच सी एल मालिक्यूल इज़ अ पोलर मालिक्यूल साबित कीजिए कि एच सी एल मालिक्यूल एक पोलर मालिक्यूल है डिफाइन डिफ्यूजन ऑफ गैसेज विद एन एग्जाम्पल गैसों में डिफ्यूजन की तारीफ कीजिए और मिसाल भी दीजिए वाई सॉलिड्स आर डेंड दैन लिक्विड्स ठोस एशिया माई की नस्बत बारी क्यों होती हैं डिफ्रेंशियट बिटवीन डायलिट एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन डायलूट और कंसनट्रेटेड सोलूशन में फर्क कीजिए डिफाइन इक्वे सोलूशन विद एन एग्जाम्पल इक्वे सोल्यूशन की तारीफ कीजिए और मसाल भी दीजिए वाई डू कोलाइट शो टाइट्स टेंडल इफेक्ट का मजाहरा क्यों करते हैं नेक्स्ट पार्ट में से भी आपने कोई पाँच क्वेश्चन अटैम्प्टे हैं फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन एच टूस एच टू एस ओ फोर में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम कीजिए डिफाइन स्ट्रॉग अलेक्ट्रोलाइट एंड गिव एन एग्जाम्पल ताकतवर अलेक्ट्रोलाइट की तारीफ कीजिए और मिसाल दीजिए वाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रोन एंड रस्टिंग क्रोन और जंग लगने में क्या फ़र्क है डिफाइन ऑक्सीडेशन इन दर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गिव एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन के हवाले से ऑक्सीडेशन की तारीफ कीजिए और मिसाल दीजिए राइट टू यूज ऑफ़ मेगनीशियम मैगनीशियम के दो इस्तेमाल लिखिए वाई डू दान मेटल्स एक्सेप्ट अलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल्स अलेक्ट्रॉन्स क्यों हासिल करती हैं वट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड आइनाइजेशन अनर्जी एलेक्ट्रो पॉजिटिव और आयोनाइेशन अनर्जी में क्या ताल्लुक़ है राइट टू केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स के दो कीमी ख्वास लिखिए उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन आपने इसमें से कोई से दो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला कैमियमी में, में फार्मूला कैसे लिखा जाता है वजात कीजिए डिफाइन काबोलेंट बॉन्ड एक्सप्लेंट्स वेरियस टाइप्स काबलेंट बॉन्ड की तारीफ कीजिए जिसके मुख्तफ अकसाम की वजात कीजिए वाट आर कैथोड्रेस राइट फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड्रेस कैथोड्रेस क्या हैं कैथोड्रेस की चार खूबसियात तहरीर कीजिए वाट इज डिफ्रेंस बिटवी फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉलिंग पॉइंट एक्सप्ल इट विध सूटेबल एग्जाम्पल फ्रीजिंग पॉइंट और बॉलिंग पॉइंट के दरम्या क्या फ़र्क है एक मुनासब मसाल से वाजह कीजिए डिफाइन अलेक्ट्रोलाइसिस डिस्क्राइब अलेक्ट्रोलिस ऑफ वाटर अलॉन्ग विथ डाग्राम अलेक्ट्रोलाइसिस की तारीफ कीजिए पानी की इलेक्ट्रोलिस शक्ल के साथ बयान कीजिए गिव एट लीस्ट फोर करेक्ट्रसिस ऑफ सस्पेंशन सस्पेंशन की, suspension. Suspension की कम अज कम चार खूसियात बयान कीजिए तो ये था हमारे पास फैसला बात बोर्ड का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पार्ट अगर इसके एम सी क्यूज में कोई आपको आंसर करना लगे तो उसको अपने बुक से टैल करके आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा और इसी चैनल के ऊपर नेक्स्ट जो पेपर है उसका गेस्ट पेपर भी थोड़ी देर में ही अपलोड कर दिया जाएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़